खबर उन्नाव से है, जहां दही थाना क्षेत्र के गांव बस्ती खेड़ा में रहने वाली सुनीता पत्नी छेदीलाल को रात को खाना खिलाकर अपने कमरे में सोने चली गई। पति बाहर कमरे में लेटा था। सुबह कमरे का दरवाजा न खुलने पर पति छेदीलाल कमरे के अंदर गया। पत्नी कमरे में रस्सी के सहारे एक बांस की कड़ी में लटक रही थी। यह देखकर पति सन्न रह गया। सुबह पति ने घटना की जानकारी पुलिस व मायके पक्ष को दी। सूचना पर दही थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव की विधिक कार्यवाही पूरी की। मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस के सामने बेटी को मार डालने का आरोप लगाया, जबकि परिजन मौत का कारण स्पष्ट नहीं कर सके। पड़ोसी व घर के कुछ लोगों का कहना है कि संतान न होने की वजह से महिला ने मौत का कदम उठाया है। मृतका की कोई संतान नहीं थी। पुलिस जांच कर रही है। महिला को तो जब बताया गया है तो वो नीचे हुई थी और हमने 3-4 दिन से यही चीज सुन रहे हैं कि मारपीट का झगड़ा होता है घर में और सिर्फ बच्चों के पीछे इनकी बड़ी भौजाई है, उसकी वजह से होता है। जब भी मामला हुआ 18 साल से रेगुलर यही चल रहा है। मैंने कितनी बार समझाया, मेरे पिताजी थे वो भी समझाते थे, मगर ये कोई बात सुनते नहीं थे। जैसा उन लोग कह देते थे वैसे ही मारपीट करना चालू कर देते थे। और आपस में परसों वाले दिन मेरे घर आए तब भी कोई बात नहीं थी, कल अचानक इन्होंने ये चीज़ें हुई हैं। और जब हम वहाँ गए तो ये बोल रहे हैं कि फांसी लगा दिया गया। 5 फुट पर कोई फांसी नहीं लगती है, कि 5 फुट से हाइट से कोई फांसी नहीं है। और इनके मुँह पर ओंठ पर सब खरोचे बनी हैं, गले पर रस्सी का दाग बना है। क्या लगता है कहे से मारा पीटा? रस्सी से। अच्छा, कौन लोग हैं? ये हमारे जीजा हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनके 2 बच्चे हैं। जीजा का नाम छेदीलाल है, बड़े वाले का नाम हीरा लाल है और उनके नाम संतू। शिकायत की है इसकी? जी, थाने में शिकायत कर दी।